हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, हैप्पी एंड पॉजिटिव। और अगर नहीं हो तो होपफुली आज की मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिले, आप अपलिफ्ट हो और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज का टॉपिक है कि आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहने वाला है। जितने भी मंथ्स बाकी हैं, जब भी आपकी रीडिंग देख रहे हो, जितने भी डेज बाकी हैं, वीक्स बाकी हैं, कैसा रहने वाला है आपका बचा हुआ 2022। तो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग है ये। पहला कार्ड है लाइट हाउस स्टोन डाउट योर वर्थ, और दूसरा कार्ड है स्वॉर्ड मेक द चेंज। सो जो भी कार्ड, इमेज या कैप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं। एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द कार्ड नंबर वन। हेलो कार्ड नंबर वन, ग्रुप नंबर वन, आपने ये वाला कार्ड चूज करा है लाइट हाउस डोंट डाउट योर वर्थ। आई गेस आप इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी कि आपने हमेशा अपने ऊपर डाउट करा है, आपने हमेशा अपने डिसीजंस पे कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहे हो, या आपको हमेशा अपनी चॉइसेस पे डाउट हुआ है। बट आने वाला टाइम कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। और दूसरी बात, आपको अपने ऊपर भी डाउट रहता है कि आप कोई पर्टिकुलर काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो फाइनली यू नो यू विल रियलाइज़ कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक वैल्यू है, और तो और आप खुद से प्यार करना सीखोगे, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखोगे और खुद की वर्थ पहचानोगे कि आप कितने स्पेशल हो और आपकी एक अलग स्पेशल प्लेस है इस दुनिया में। ओके, यहाँ पे एक मैसेज है आई एम इनफ। जो पर्सन खुद से प्यार करेगा वही दूसरों में भी प्यार बांटेगा। तो सबसे पहले आप खुद में इनफ रहना सीखोगे, उसके बाद डेफिनेटली आप दूसरे लोगों में भी उतना ही प्यार बांटोगे, उतनी ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे। चलिए देखते हैं कि रेस्ट ऑफ 2022 के लिए क्या थीम रहेगी आपकी। ग्रुप नंबर वन की थीम फॉर द रेस्ट ऑफ 2022। ओके, वी आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आपके लिए इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड आया कि आप बहुत ही क्लोज हो अपना गोल अचीव करने के लिए। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, चाहे आप शादी करना चाहते हो, चाहे आपका कोई और गोल है लाइफ में जो आप बहुत वक्त से जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बट उस गोल में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, और शायद आप दैट्स वाई इतना डाउट करते हो खुद पर, खुद की पोटेंशियल पे। लेकिन ये साल ख़त्म होने से पहले पहले आपके सारे गोल्स जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे, बिकॉज यू नो जो भी आप चाह रहे हो, बिकॉज आप बहुत ही क्लोज हो, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बस अभी और पुश करना है अपने आप को, और हार्डवर्क करना है ताकि वो जो चीज़ है आप वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर सको। और देखते हैं गाइस कि ये जो आपका रेस्ट ऑफ 2022 है ग्रुप नंबर वन का, ये कैसा रहने वाला है। रेस्ट ऑफ 2022 फॉर ग्रुप नंबर वन। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी एंड एक्शन। सो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, लाइक विद इन नेक्स्ट मंथ और वॉचिंग दिस वीडियो और विद इन अ वीक। बट ये अपॉर्चुनिटी के लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, आपने काफ़ी वर्क करा है और आप इसके लिए एक्शन भी लोगे। ये एक ऑफ़र भी हो सकता है, जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ने का ऑफ़र है ये, आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब ऑफ़र है ये, अगर आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर का तो वहाँ से एक ऑफ़र है ये। बट एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, और वो जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी क्रिएटिव बनाएगी आपको, आप उसके लिए एक्शन लोगे और एक नया पैशन जो है आपकी लाइफ में वो आएगा। जो पैशन खो गया है वो फिर से फील करोगे, काफ़ी पैशनेट हो आप इस चीज़ को लेके। और है द चैरियट, विल पावर, विक्ट्री, रिकॉग्निशन। सो गाइस, विक्ट्री तो आपकी है, और जो चीज़ें स्टक एनर्जी में थी अब वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज अभी तक आपने, आई फील कि आपने सिर्फ इंतज़ार करा है चीज़ों को लेके, आपकी लाइफ में डिलेज आए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हुआ है इन चीज़ों की वजह से। बट नाउ यू नो, नाउ यू आर डिटरमाइंड,
और अब चीज़ें भी काफ़ी अच्छे स्पीड में आगे बढ़ने का टाइम आ गया, बिकॉज आपके लिए मैसेज था दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सो यू आर गेटिंग क्लोज टू योर गोल. आपको फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी. आप में से काफ़ी लोग शायद ट्रैवल कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है? आप बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाह रहे हो, बाहर जाना चाह रहे हो, कहीं किसी से मिलना चाह रहे हो, या फिर आपसे मिलना चाहते हैं. सो यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी. विक्ट्री मिल रही है आपको किसी चीज़ में. चीज़ें जो स्टक है, चाहे रिलेशनशिप स्टक है, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. आपकी लाइफ जो स्टक है वो आगे बढ़ेगी. आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी. बस यहाँ पे सारी जो की है वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस पूरा रखना है और अपनी वर्थ के ऊपर बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है कि आप कोई चीज़ डिजर्व नहीं करते हो. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है. इसे और देखते हैं रेस्ट ऑफ 2022 फॉर ग्रुप नंबर वन. लाइफ पर्पस, आप में से काफ़ी लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होने वाले हैं. आपका लाइफ पर्पस क्या है? ट्रू, किस वजह से आपका जन्म हुआ? व्हाट इज़ योर ट्रू लाइफ पर्पस? आप उसको पहचानोगे. कहीं ना कहीं ये जो आपकी लाइफ में इतना जो पेन आया था वो आपको आपके लाइफ पर्पस के करीब लाने के लिए ही आया था. आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है. ओके, आप एक अलग नज़रिए दुनिया को देखोगे अब. और कहीं ना कहीं अब आपके अंदर एक सिंपथी और एम्पथी वाली फीलिंग्स भी इन्वोक हो रही है. सो यू विल हेल्प अदर्स, यू विल हेल्प एनवायरमेंट, यू विल हेल्प नेचर, यू विल हेल्प पीपल, यू विल हेल्प एवरी वन इन्वॉल्व इन दिस लाइफ टाइम. ओके, सो इट्स लाइक आपका एक हीलिंग हैंड होगा, आपका एक हेल्पिंग हैंड होगा. आप एक लाइफ पर्पज़ के क्लोज आओगे अपने, और एक बहुत ही ट्रू ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग आप बनने वाले हो आने वाले टाइम में. या द रेनबो रिवाइवर, वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी ब्यूटिफुल. आप देख रहे हो ये यहाँ पे. इट्स लाइक बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं. जो भी आपने एक टाइम बिताया है रोते हुए अपनी लाइफ में, आप परेशान रहे हो, यू नो यू फेल्ट हेल्पलेस. आप हेल्पलेस फील कराए आपने कि कोई आपकी हेल्प करने नहीं आ रहा है, कहीं से हेल्प आनी चाहिए आपको. यू नो समटाइम्स यू फील कि आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस या नहीं करते हो. सो फाइनली वो सारा जो दुख है वो कन्वर्ट होके एक खुशी के फॉर्म में आपके पास आएगा. आपके लाइफ में कलर्स आएंगे, ब्लेसिंग्स आएंगी. आप खुद भी खुश रहोगे, दूसरों को भी उतना ही खुश रखोगे. सो वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ. लेट्स सी मोर गाइज, वट एल्स इज कमिंग फॉर पाइल नंबर वन इन द रेस्ट ऑफ 2022. चेंज कोर्स, यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है आपके लिए. अ क्लोज डोर इज एन इन्विटेशन फ्रॉम लाइफ टू मूव इन एन इवन बेटर डायरेक्शन. इट्स टाइम टू चेंज कोर्स. तो ये करना है आपको. अगर यू नो आप सोच रहे हो कि आपके सेम ओल्ड तरीके, सेम ओल्ड बिलीव्स वही कुछ कुछ नया दरवाज़ा खोलने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. आपको अपने बिलीव सिस्टम को चेंज करना है, राइट? अब आपको थोड़ा सा अपना आइडियाज़ चेंज करने हैं, अपने लाइफ को जीने का तरीका, अपने सोचने का तरीका चेंज करना है. हो सकता है कि आपने वही सेम ओल्ड पैटर्न रिपीट करा हो बार बार, और वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही हो. सो अगर आपको इस बार आउटकम अलग चाहिए तो इस बार अपना तरीका भी अलग अपनाएं. मे बी कोई चीज़ है जो आपके लिए नहीं है, मे बी आप उस चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो, मे बी कोई आदत है, मे बी कोई डायरेक्शन है जो सही नहीं है आपके लिए. सो आपको थोड़ा सा चेंज लाना है अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में कुछ नया हो. अगर आप हर चीज़ सेम करोगे तो सेम चीज़ें ही रिपीट होनी है आपकी लाइफ में. देन वी हैव ऑथेंटिसिटी. लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड. अभी तक आप सिर्फ दूसरों के लिए जिए हो, अभी तक आप सिर्फ दूसरों के हिसाब से चले हो. आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने खुद के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, और आप दैट्स वाई आप खुद दूसरों को इतना प्लीज़ करने में, खुद की हेल्प करना या खुद के ऊपर ध्यान देना या खुद की वैल्यू करना भूल गए हो. सो फाइनली अब आपका वो फेज़ आएगा लाइफ का कि जहाँ पे आपको सबसे पहले आप खुद की वैल्यू करोगे, सबसे पहले आप यू नो अपने हिसाब से लाइफ जियोगे कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, क्या डायरेक्शन सही है, कौन सा पर्सन सही है, कौन सही नहीं है. यू विल डिसाइड दैट.
सो अपने आप को क्राउड में एक अलग सा फील करना, एक स्पेशल फील करना, वो फीलिंग आएगी आप में कि जो सब लोग जहाँ चल रहे हैं मुझे वहाँ नहीं जाना, मेरे लिए एक अलग डायरेक्शन है, मेरा लाइफ पर्पस अलग है। लोग जज कर रहे हैं उन्हें कर दो, लोग तो जज करेंगे ही आपको, बट यू विल डिसाइड कि वॉट यू वॉन्ट डू इन योर लाइफ, वॉट काइंड ऑफ लाइफ यू वॉन्ट आगे। ये मेजर डिसीजंस आप लोगे और एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में लेके आओगे आप। Let's see from here for group number one, rest of 2022. Okay, we have, see, I told you about the changes, और यहाँ पे आया है changes in your life. Moon cycles बहुत important रहेंगे आपके लिए, changes आएंगे आपकी life में, changes बहुत आएंगे आपकी life में, जो बचा हुआ साल है ये इसमें, और वो चेंजेस ना आपके बेनिफिट के लिए ही होंगे, कहीं ना कहीं आप वो चेंजेस आप खुद लाओगे, बस आपको रियलाइजेशन है कि आप कहाँ गलत हो और आप क्या गलत कर रहे हो, और वो अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हो। वी हैव हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस भी अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में। ये चेंजेस कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं है, ये पॉजिटिव चेंजेस हैं जो कि आपके बेनिफिट के लिए, जो कि आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल चेंजेस हैं ये। तो आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं कि एंजल्स जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपके आने वाले टाइम के लिए, रेस्ट ऑफ 2022। क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको सारे जवाब कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ऑलरेडी पता है आपको अपने अंदर, बस शायद आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यू नो, यू ऑलरेडी नो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, नहीं, हाँ, ना, वो जवाब आपका इंट्यूशन जानता है, बस आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि क्या ये करियर पाथ मेरे लिए सही है या नहीं है, यू नो द आंसर, बट आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सो बेसिकली आपको ट्रस्ट करना है, यहाँ पे आया है ट्रस्ट व्हाट यू नो, और स्टार्टिंग में आपने जो कार्ड किया था वो था डोंट डाउट योर वर्थ। तो डाउट क्यों करना अपनी वर्थ पे, ट्रस्ट करो खुद पे, आपको आंसर्स पता हैं, बाकी एंजल्स आपके साथ हैं। सो बस उस पे, उस पाथ पे चलिए, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करिए, और आगे आपके लिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर वन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर टू, आपने ये वाला कार्ड चूज करा है स्वॉर्ड, मेक द चेंज। सो आने वाला टाइम में आप चेंजेस खुद लेके आओगे अपनी लाइफ में। आपको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं, और अब आप कॉन्फिडेंट हो, अब आप डिटरमाइंड हो कि हाँ, मुझे चेंजेस लाने हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, चाहे वो आपकी कोई सोच में चेंजेस है, चाहे वो चेंजेस इन एनीथिंग, चाहे करियर पाथ में चेंजेस हैं, चाहे लुक्स में चेंजेस हैं, बट सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, जो कि आप खुद जानते हो, और आप उस चीज़ को अब डिटरमाइंड होके आप करने वाले हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो काफ़ी चेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2022 में, पर आप काफ़ी खुश रहोगे उन चेंजेस को लाके अपनी लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर टू के लिए रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहने वाला है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ट्रूथफुल, एनालिटिकल, आउटस्पोकन। सो आप काफ़ी क्लियर कट रहोगे इन इस बचे हुए साल में, ठीक है, मतलब जो भी आपकी नीड्स हैं, आपकी वॉन्ट्स हैं, वो आप क्लियरली बोलने वाले हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, मुझे इस तरह का बिहेवियर पसंद है, इस तरह का नहीं पसंद है। मे बी इन दी पास्ट आप ऐसे पर्सन थे कि जो सामने वाला जैसा बिहेव कर रहा है आप उसको टॉलरेट कर रहे हो, आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई अपने लिए। सो फाइनली आप एक क्लियर कट कॉन्वर्जेशन करने वाले हो किसी के साथ, आप काफ़ी बात करोगे एनालिटिकल वे में, आप काफ़ी आउटस्पोकन बनोगे। मे बी आपको एक मौका मिले शायद आने वाले टाइम में कोई स्पीच देने का या पब्लिक स्पीकिंग करने का, अगर आप ऐसी वेट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी का, तो बिकॉज शायद आप बहुत अच्छे, आपको शौक है कि स्पीच देना, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग करना, मे बी आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, या आपको बड़ा पसंद है, या आपकी हॉबी है, ये हो सकता है कुछ भी, ठीक है। या फिर यू नो, इट्स लाइक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप बहुत कुछ कहना चाहते हो अपने पार्टनर से, बट आप कह नहीं पा रहे हो, आप कुछ बताना चाहते हो। सो फाइनली यू विल हैव दैट वन टू वन कॉन्वर्जेशन विद देम, और विथ योर फैमिली,
और विथ योर फ्रेंड्स, ओके, मतलब अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को क्लियरली बताना दुनिया के सामने, और देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी पेजेस के कार्ड आए तो काफ़ी यूथफुल, यंग और एनर्जेटिक एनर्जी रहेगी, थोड़े से इमेच्योर भी रह सकते हो, क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपके माइंड में, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ नया करें, और एक एनर्जी का फ्लो रहेगा आपके अंदर, काफ़ी मोटिवेटेड रहोगे, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि बड़े डल से हो या कुछ करने का मन नहीं कर रहा, या यू नो कुछ नया स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा, यू वॉन्ट टू डू थिंग्स इन योर लाइफ, आप चाहते हो कुछ नया हो आपकी लाइफ में, बिकॉज आपके अंदर एक यूथफुल एनर्जी आ रही है, नो मैटर योर एज, यू हैव दैट एनर्जी फ्रॉम इनसाइड कि हाँ मुझे कुछ करना है, या मुझे घूमने जाना है, या मुझे ये चीज़ सीखनी है, या मुझे नो आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, या मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, एनी थिंग, बट आप डिटरमाइंड हो, आप मोटिवेटेड हो, और आप दूसरों को ही मोटिवेट करोगे, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहेगा आने वाले टाइम में, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी यंग यूथफुल एनर्जी। और देखते हैं ग्रुप नंबर टू की लाइफ में चेंजेस रेस्ट ऑफ 2022। इंटीमेसी, सो काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप आपका फॉर्म होगा आपके पार्टनर के साथ, काफ़ी लविंग इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर दूरियां बढ़ गई हैं आपके बीच में, या इतनी बात नहीं होती है, यू नो यू फील दैट कि आप दोनों थोड़े से दूर होते जा रहे हो, भले ही आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, बट यू नो दैट बॉन्ड वो आपको फील नहीं हो रहा है अभी, सो बॉन्ड फिर से फील होगा, वो इंटीमेसी फिर से फील होगी, आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे अपने पर्सन के साथ, या अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपको वो इंटीमेसी फील हो, यू नो आप ऐसे पार्टनर के साथ आप कॉन्टैक्ट में आओगे जहाँ पे यू नो हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप कनेक्ट कर पाओ, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। रेनबो रिवाइवर, सो काफ़ी हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, काफ़ी कलर्स आ रहे हैं, काफ़ी यू नो रिलैक्स माइंडसेट रहेगा आपके आने वाले टाइम में, एज इफ कि यू नो जस्ट लाइक कि आपके जो भी काम आपने सोचे हुए हैं वो पूरे होते जाएंगे, और आप काफ़ी इंजॉय कर पाओगे, आप काफ़ी पीसफुल लाइफ जी पाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी जगह घूमने जाओगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, और अपने आसपास आपको कलर्स ही कलर्स दिखेंगे कि यस लाइफ इज़ सो कलरफुल, लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, और सारी विशेज़ जो है वो आपकी पूरी होंगी एक एक करके, बस वो जो चेंज है वो आप खुद अपने अंदर से लाओगे वो, एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। और देखते हैं गाइज ग्रुप नंबर टू के लिए कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ 2022। ऑप्टिमिज्म, सी इट्स लाइक मोटिवेशन, आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, आपको एक बिलीव है कि हाँ आगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, अभी तक आप में ऑप्टिमिज्म नहीं था, आप शायद बहुत अपने आप को बहुत पीछे समझते थे, या आपको यू यूज़ टू फील कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बट आपको बिलीव है अब कि सब कुछ अच्छा होगा, आपके लिए मैसेज भी है, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अप स्टोरीज इन योर हेड अबाउट पीपल एंड सर्कमस्टांसेस, प्लीज़ मेक देम लव स्टोरीज विद हैप्पी एंडिंग्स। अभी तक जो कुछ भी आपके माइंड में चलता था, आप जो भी सोचते थे वो बहुत नेगेटिव होता था कि गलत हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बट नाउ यू आर ऑप्टिमिस्टिक, नाउ यू वांट हैप्पी एंडिंग्स फॉर यू एंड फॉर दी अदर्स, कि जो होगा आप सब अच्छा होगा, ये बिलीव रहेगा आपके अब रेस्ट ऑफ 2022 में। ओके, वी हैव पीस, पीस, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाई ड्रामा डजेंट मीन यू हैव टू अटेंड द परफॉर्मेंस, मेक योर लाइफ अ ड्रामा फ्री जोन। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको हमेशा यू नो कभी तो आपके साथ अच्छे रहेंगे, कभी अच्छे नहीं रहेंगे, समटाइम्स दे मेक यू हैप्पी, समटाइम्स दे मेक यू क्राई, इस तरह के जो दोगला बिहेवियर, दोगले जो इस तरह के लोग हैं, ऐसे लोगों से यू नो अपनी लाइफ में आप छुटकारा पाओगे। यू नो यू वॉन्ट समवन इन योर लाइफ जो आपको एक्चुअली में खुश रखे, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, ना कि ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में फालतू का ड्रामा क्रिएट करें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में, आप उनसे दूर ही रहोगे, उनको आप ज़्यादा यू नो इनसे इतना इंटरेक्ट नहीं करोगे, ज़्यादा आप उनके साथ घुलोगे मिलोगे नहीं। सो
डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. तो आप ये करने वाले हो अपनी लाइफ में. स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं आपके लिए आपका जो थीम रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ 2022 वो मैं निकालना भूल गई थी. सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर थीम फॉर द रेस्ट ऑफ 2022 ग्रुप नंबर टू. ओके, वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई सुपर मून. सी सुपर मून का कार्ड एक्चुअली बहुत लकी कार्ड होता है कि इट्स लाइक विश कम ट्रू. आपके इमोशंस काफ़ी हायर वाइब्रेशन पे रहेंगे. सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको वाइब्रेशन कैसी रखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा. इफ़ यू विल थिंक पॉजिटिव तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. सो लाइक नाउ इट्स योर कॉल दैट व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ. ओके, बिकॉज आपके इमोशंस काफ़ी हायर लेवल पे रहेंगे. सो मेक श्योर कि आप अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों से मिलो और अच्छा सोचो, अच्छे अपने माइंड को भी अच्छा फीड करो, राइट, ताकि सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो आपकी लाइफ में. बिकॉज एक बहुत ही लकी टाइम आपका वेट कर रहा है आने वाले टाइम में. ओके, चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर टू के लिए रेस्ट ऑफ 2022. वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स. ये एक नॉट सी थी आपकी लाइफ में जो कि यू नो आपने बहुत कोशिश करी खोलने की जो कि खुल नहीं रही थी. आप जो भी चीज़ें प्लान कर रहे हो वो अनसक्सेसफुल, आप जो भी आइडियाज़ ला रहे हो वो अनसक्सेसफुल, आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो चाहे रिलेशनशिप में चाहे करियर में वो अनसक्सेसफुल. सो फाइनली ये जो यू नो इतने जो गांठें पड़ी हुई थी आपकी डेस्टिनी में ये सब खुलेंगी धीरे धीरे करके. तभी तो आपने कार्ड चूज़ करा मेक द चेंज. ये चेंज तो आपके अंदर से आएगा, राइट. यहाँ पे पर्सन भले इस पिक्चर में यू नो शी इज़ कटिंग हर हेयर क्योंकि मे बी इसको कुछ चेंजेस लाने हैं अपने लुक्स में. सो चेंजेस हमें खुद को लाने पड़ते हैं. तो जैसे जैसे आप चेंजेस लाओगे, अपने हायर वाइब्रेशन में रहोगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होती जाएंगी. अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. उसके बाद तो यही होगा जो भी आपकी सिंसियर विश है. आपके लिए कार्ड था सुपर मून का, तो वही मैंने कहा था कि जो भी विश मांगोगे वो पूरी होगी, फिर चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, जो भी आपका माइंडसेट रहेगा. इफ़ यू विल स्पीक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी. सो आपकी सिंसियर दिली तमन्ना जो है ना वो पूरी होगी. अब बचे हुए 2022 में आपको बस नेगेटिव नहीं सोचना है और ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, राइट. और खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है. लास्ट में देखते हैं कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहेंगे. कॉल टू एक्शन, अगेन अ कार्ड ऑफ एक्शन. टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक. सो चार्ज लो अपनी लाइफ का, अब टाइम है एक्शन का. अभी तक चीज़ें अनसक्सेसफुल क्यों रही आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, आप में वो डिटर्मिनेशन नहीं था, आपने अपनी लाइफ का चार्ज खुद नहीं लिया, आपने वो चेंजेस नहीं लाए हो. सो जो भी सोचते हो उस पर वर्क भी करो, एक्शन लो, एंड देन यू विल सी कि जो ये जितने भी मंथ्स बचे हुए हैं 2022 में ये आपकी लाइफ के बेस्ट मंथ्स बनने वाले हैं. एंड यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर कि आप ये चेंजेस लाए अपनी लाइफ में. ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.